दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हुए बड़े अपडेट के साथ लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस की सुविधा दी जाएगी और साथ ही साथ जो उनके रिक्त पद है उन पर भर्ती होगी। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आम जनता को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी और कर्मचारी नेताओं से परिचर्चा की गई है। इसमें जो रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार से कैशलेस सुविधा की मांग की है, जबकि दोस्तों सरकारी कर्मचारी को विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने की मांग की गई है। उनका कहना है कि विभागों में रिक्त हुए पदों के कारण ठीक ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा और उनको लेकर जनता को सुविधा भी नहीं मिल पा रही। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी और कर्मचारी नेताओं से परिचर्चा हुई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार जो प्रदेश का बजट 8 मार्च को प्रस्तुत करेगी। ऐसे में पेंशनर और जो सरकारी कर्मचारी को भी बजट में काफी सारी उम्मीदें हैं। महंगाई भत्ता से लेकर जो बेरोजगारी के लिए नौकरी, विकास कार्य, अच्छी शिक्षा के लिए काम और स्वास्थ्य सुविधा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता सरकार से काफी आस लगाए हुए बैठी है। जेवीटी अध्यापक संदीप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सभी विभागों में कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में भी अतिथि अध्यापक काम कर रहे हैं। सभी जो कर्मचारी काम तो पूरा करते हैं लेकिन न तो उन्हें पूरा वेतन मिलता है और न ही नौकरी की सुविधा है। तो दोस्तों, इसमें जो नौकरी की सुरक्षा है, सरकार को चाहिए कि इस बजट में अतिथि अध्यापकों सहित जो प्रदेश में सभी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। फोटो नंबर इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे देश का भविष्य है और यदि दोस्तों शिक्षा पर काम किया जाए और शिक्षा के लिए अधिक बजट आवंटित करके नई नीतियां बनाई जाएगी तो देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, इसमें हम आपको बताते हैं कि सुदर्शन शर्मा जो प्रधानाचार्य के पद पर तैनात, प्रदेश में शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में बहुत से पद पर रिक्त रहे हैं जिन्हें भरना चाहिए और कर्मचारी न होने के कारण काम भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश में जिन विभागों में रिक्त पड़े हैं और कर्मचारियों की आवश्यकता है उन्हें भरा जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही कर्मचारी पूरे होंगे तो प्रदेश में काम भी होगा, रिटायर्ड कर्मचारी को मिलेगा कैशलेस सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सरकार को बजट में रिटायर हुए कर्मचारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। रिटायर्ड कर्मचारी को हर बीमारी के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए और वह उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगों को लेकर इस बजट में पूरा किया जाए। पेंशन में बढ़ोतरी, जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने रिटायर्ड हुए कर्मचारी को सुविधा दी हुई है, उसी तरह पर हरियाणा में भी सुविधा मिलनी चाहिए। पंजाब की तरह पर 65, 70, 75 व 80 साल की आयु होने पर पेंशन में 5, 10, 15 और 20% की बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव इस बजट में सरकार को पास करना चाहिए। दोस्तों, जो कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत हो, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस बजट में रिटायर्ड कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। जो कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 12 वर्ष करने का प्रस्ताव यदि पास कर दिया जाए तो उसे रिटायर्ड कर्मचारी को बहुत सा लाभ होगा और इसके साथ ही सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मचारी को 18 माह का रुका हुआ DA जल्द से जल्द उन्हें दिया जाए। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि 12 जो पुराने पेंशन बेहाली जो संघर्ष समिति में अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा है कि बजट में जो प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों को सबसे मुख्य मांग पुराने पेंशन नीति को बेहाल करना है और बाजार आधारित नई पेंशन जो नीति की स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन नीति बहाल करने का, हर महीने 125 करोड़ रुपए का आर्थिक भार घटेगा। इसके साथ ही एनपीएस में जमा 10,000 करोड़ की जो राशि सरकार को विकास कार्यों के लिए प्राप्त होगी। दोस्तों, पुरानी पेंशन की घोषणा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से प्रथम श्रेणी में 2 लाख कर्मचारी और अधिकारियों को सीधा इसका लाभ होगा। दोस्तों, इसमें जो कर्मचारी DC नैन ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सरकार ने कुछ विभागों में कर्मचारियों को भत्ते का कम किए हैं। कोरोना महामारी को लेकर अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, इसलिए सरकार को कर्मचारी के हित में सोच समझकर बंद किए गए भत्तों को दोबारा शुरू करना चाहिए जिससे उनको लाभ मिल सके। पेंशनों पर सरकार ध्यान दे। दोस्तों, जो रिटायर्ड कर्मचारी सतपाल गुप्त ने कहा कि सरकार को पेंशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि नौकरी पूरी करने के बाद पेंशनर्स के
पास आय का के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं होता, इसलिए पेंशन के कुछ प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जानी चाहिए। दोस्तों ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान।